अब बहुत तेज थी और हमारी डोली काइट की हालत आप देखे क्या होगी। एंड आप लोगों ने मुझे बताना है अगर हमारा ये गिव अवे आपको पसंद आया, ठीक है, फिर भी बताना है। ये रहा हमारा सामान जो हम लेकर आए थे, पार्टी पॉपर्स वगैरह, अनार वगैरह लेकर आए हैं। और जो होगा मैंने कहा आगे थक जाएंगे, अभी से बना के चले जाए तो डिजाइन शिजाइन इंशाल्लाह लेट। फाइनली पापा की परियों वाला कलर हम ले आए हैं, पिंक कलर का, ये उड़ाएंगे, ठीक है। ये जी फाइनली, ओ ले ये क्या हुआ है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जैसा कि कल का व्लॉग आप लोगों ने जो है हमारा देख लिया होगा, कल हमारे तलाल भाई ने हमें इनवाइट किया था, बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा इखलाक है भाई का, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया था और आते आते बहुत ही टाइम हमें हो गया था। इसके अलावा एक हमारे भाई थे, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल जी, ठीक हो। इसके अलावा एक हमारे भाई थे, इधर आसपास ही रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने कहा पड़ोसियों का हक पहले बनता है, उन्होंने कहा था हमारा जो है नाम ले लेना, यासर तल्ला, यासर था और तल्हा था और उजैफा, उजैफा नाम था, यही नाम है। तो भाई ठीक है, याद नहीं रहते, बहुत नाम होते हैं इस वजह से जो है ना। तो बाकी जो है आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला है वो इस चीज़ पे है कि उस दिन जो हमने बनाई थी डोली काइट, कल हमने उसका फ्लाई टेस्ट नहीं किया, जब अभी मज़े की चल रही है तो अभी चलते हैं, ठीक है, छत पे उसका फ्लाई टेस्ट करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, शायद कोई इग्नोर करना, चलते हैं। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को इसके कन्ने डालने का तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने चार कॉर्नर जो हैं इसके डोर आप लोगों ने बांध देनी है, ठीक है। फिर इन कॉर्नर्स के साथ जो है एक एक पीस डोर का लेके बांध देना है, जैसे नॉर्मल कन्ने आप लोग बांधते हैं, ठीक है। रो बाय मतलब जैसे एक लाइन जा रही है ना, इसके साथ जो है थोड़ा सा टोटा ले लेना है, इसके साथ बांध देना है, ठीक है आपने। बाकी जो है फ्लाइंग करते वक्त जो है आप गौर करना इसके कन्नों की तरफ। तो चलें फिर देखें फ्लाई कर, जाने दे, चल, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारी जी डॉली फैशन उड़ गई है, बहुत लेट है यार, हैं, जाने दे जाने दे, ये डॉली फैशन उड़ गई अपनी। है यार। हैं? ओ नहीं 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 ओ नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। हैं? बहुत लेट है यार, टूट जाएगी। हैं? टूट जाएगी, बहुत लेट है। ओ भाई। ओए। यार ये गिर रही है, कन्ने इसके खराब डाले हैं। ओ नो। ये हमारी डोली फैशन गिर गई है। नबी गली में नहीं जाते यार, एक बता। गली में कैसे? गली में आई नहीं नहीं ये। गली में है ना, गली में गई है। ये देख सकते हैं यार, आपके चेस्ट के चक्कर में हमारी डोली फैशन चली गई है यार, इतनी यार। यार ये फंस गई है ना बिल। हाँ। अब ये वेल्डर वाले आए ना, वेल्डर वालों को बोल, आप बहुत तेज थी और हमारी डोली काइट की हालत आप देखे क्या हो गई। हड्डियां ही आई है वापस, लेकिन कोई नहीं, लाइट है आप लोगों को दिखाया है, ये इतनी तेज हवा में कोई नहीं उड़ाता यार, ये लाइट हवा वाली चीज है। हड्डियां ही वापस आई है, वो जलील हो गई है डोली काइट यार, ये कपड़ों में। तो पब्लिक फाइनली टेस्ट हमने कर लिया है, लेकिन काइट में हमारी बहुत बड़ा धमाका हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से दो गुड्डे शहीद हो गए हैं, तीन जख्मी हो गए हैं। क्यों नबील भाई, अभी हम जाते हैं नीचे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप और गर्मी है आज, ठीक है। अभी हम जाते हैं नीचे, शाम को जो भी सीन्स होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज तो नबील भाई तंदी भी लेके आए हैं, तंदी भी स्पेशल आई है भाई। तो अभी जाते हैं नीचे, शाम को जो भी सीन्स होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, चलें चलते हैं नीचे। तो भाई लोग फाइनली थोड़ी धूप कम हो गई है और हम छत पर आ चुके हैं, रूम में थे पता ही नहीं चला यार कब धूप कम हो गई है इतनी बातों बातों में। तो अभी हम लेट ही चढ़े हैं छत पे, जो हमारे नबील भाई थे उन्होंने कहा चलो जाते हैं जो सीन छीन करते हैं छत पर। एंड आज कुछ हालत भी दुरुस्त नहीं की अपनी, ठीक है, कल का सीन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, आज हमारे होने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से 10K सब्सक्राइबर। आप सबकी जो है
स्पोर्ट की वजह से। तो आज हम जाएंगे, ठीक है, अभी होने लगी है अजान, ठीक है, मगरिब की, तो उस तरह माहौल शोल भी नहीं, गुड्डे भी नहीं आ रहे, तो अभी जो मतलब सीन होता है थोड़ा बहुत वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद जाएंगे बाज़ार जहाँ से हमने चीज़ें लेकर आनी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा पब्लिक, आप लोगों से मैंने एक बात शेयर करनी थी, ठीक है, मैंने घर वालों को कहा था मेरे 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मैंने करना है गिव अवे अपनी पब्लिक को, तो इतनी जितनी तो मेरी तो फेक है उसके हिसाब से ही मैं करूँगा, ठीक है। तो घर वालों ने मुझे जो है एक अच्छा मशवरा दिया, कहते हैं तुमने किसी को देना तो है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने घरों में ठीक है, खाते पीते हैं, सब खुश हैं, तुम ऐसा काम करो जो तुम्हारी ऑडियंस को भी अच्छा लगे और ठीक है तुम्हें सवाब भी हो उस काम का, तो हम ये करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ भाई इधर आके जो बोलेंगे यार आप दिखावा कर रहे हो, ठीक है, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, मैं आप लोगों से जो है अपने दिल की बातें मैं शेयर करता हूँ आप सबसे, तो आज इंशाल्लाह कल ऐसा सीन होगा, सेलिब्रेट वगैरह करके अगर आज हमारे 10K हो जाते हैं तो ठीक है, सेलिब्रेट वगैरह करेंगे सही टैट सा, मतलब 10K आज होंगे और सेलिब्रेट हम कल ही करेंगे, ठीक है, और ये भी लोग कल आएगा, कल कह लो मंगल है, मंगल वाले दिन अपलोड होगा और जो सारा सेलिब्रेशन का व्लॉग होगा A to Z, ठीक है, वो आएगा बुध वाले दिन, ठीक है, जिसमें हम सीन करेंगे, सब भाई लोग आएंगे, तलाल भाई हमारे, इकराम भाई सब होंगे हमारे साथ, ठीक है। तो मुझे घर वालों की बात पहले मैंने सोचा है, काफ़ी मुझे अच्छी लगी है, मैंने कहा यार इनकी बात भी अपनी जगह जो है ठीक है, हमारी पब्लिक जो है मुझे पता है इतनी बुरी नहीं है, वो भी बोलेंगी कि शाजी भाई जो भी सोचा अच्छा सोचा है। ये था हमारा गिव अवे, ठीक है, वैसे भी देखो मेरी इतना कोई मैं अमीर नहीं हूँ, ठीक है, इतनी मेरी तौफीक नहीं थी, ठीक है, मैंने कहा चलो जितना मेरे से होगा ना मैं अपनी तरफ से करूँगा, ठीक है, वैसे जो है 10K पे कोई करता तो नहीं है गिव अवे, लेकिन मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह भी जो है हमारे तलाल भाई के भी होने वाले हैं 10K, इंशाल्लाह वो भी कुछ ऐसे ही सीन करेंगे, तो मैंने कहा आप लोगों से जो है सारी जो है क्लियर कर दूँ बात, कि मेरा दिल तो ये कह रहा था, और ये है भी नेकी का रास्ता, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक हो गया। तो अभी हम जाएंगे सामान सामान लेने, अल्लाह तो करके आज हो जाए, ओनली ऑन 20 सब्सक्राइबर मेरे रह गए 10K होने पे, तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है आज हो जाएंगे। एंड आप लोगों ने मुझे बताना है अगर हमारा ये गिव अवे आपको पसंद आया है, ठीक है, फिर भी बताना है, नहीं भी पसंद तो फिर भी आपने बताना है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है एक ही बार अब होगा, ठीक है, 100K पे गिव अवे होगा, अभी तो नहीं बार बहुत टाइम होगा, तब तक तो इंशाल्लाह अल्लाह ने इतना चाहा होगा, मुकाम बना होगा आपके भाई का भी अपना, तब गिव अवे होगा, ठीक है, अगर तब कहते हो इसी तरह का गिव अवे हो तो बेस्ट है, ना भी हो अगर आप लोग चाहते हो कि वो वाला गिव अवे पब्लिक के लिए होना चाहिए, हम हाजिर हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन ये वाला गिव अवे मेरा भी दिल कर रहा था कि यार अभी मैं नया नया हूँ, ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत ही अच्छे हो, ठीक है, इतनी मुझे जो है आप लोग सपोर्ट करते हो, आप सब मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों को ये वाला गिव अवे हमारा पसंद आएगा। देखो मैं यहाँ पे YouTube पे करूँगा गिव अवे, ठीक है, वो किसी एक बंदे को मिलेगा, उससे ये होगा उस बंदे का फ़ायदा होगा और खुश होगा, ठीक है, हमें भी खुशी होगी, ये नहीं कि यार हमें अफसोस होगा हमने इस बंदे को दे दिए, क्योंकि हमने जो ज़ुबान की थी गिव अवे हम करेंगे उस ज़ुबान पर अभी भी हम कायम हैं। मेन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, वो ये अगर हम लेते हैं फर्ज करें जितने का भी खाना लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5,000 का हम खाना लेते हैं, ठीक है, वो 5,000 अगर हम एक बंदे को गिव अवे कर रहे थे उससे उस एक बंदे का फ़ायदा हो रहा था, ठीक है, अगर हम तो उस 5,000 का हम खाना लेते हैं, सोचें अगर उसमें से 20 बंदे भी खाते हैं, दुआ देते हैं, फ़ायदा किसका है, हम सब के है ना, आपके हक में भी दुआ होगी, हमारे हक में भी, और मैं जिसको भी दूंगा उसको यही बोलूंगा यार मेरे और मेरी जितनी भी ऑडियंस है, ठीक है, उन सब के लिए जो है वो करें दुआ, तो कोशिश करेंगे कि एक आधा क्लिप फ्लिप बना लें, वैसे मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती नेकी करके ना वीडियो बनाओ या ऐसा वैसा करो, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए ये ना आप लोग ऐसा वैसा कुछ बोलोगे यार शाजी भाई आपने तो दिखाया ही नहीं है बिल्कुल, तो आपका शाजी भाई इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह खाना शाना जो होगा वो हम तकसीम करेंगे जो बेचारे बेरोज़गार होते हैं, और अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे इंशाल्लाह मैं उन सबको जो है ना इतना अल्लाह मुझे अता करे, ठीक है, जो भी बेचारा बेरोज़गार है मैं उसकी मदद करूँ, मेरी तो ऐसी सोच है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे बहुत सारे टाइम से मैं होके आया हूँ ना, मुझे पता है, ठीक है, तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अल्लाह ने अता किया हुआ है, ठीक है, अल्लाह पाक जितने भी गरीब हैं उन सबकी मदद करे, ठीक है, अपने ख़जाने से हमको अता करें। मुझे तो मेरे घर वालों की बात, ठीक है, बहुत ही अच्छी लगी है, और ये बात मुझे मेरी वालदा ने की है कि बेटा आप ऐसे करो और अपनी पब्लिक को बता दो ये काम कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, उनको अच्छा ही लगेगा, जाहिर सी बात है हर बंदा जो है ना वो कहता है भाई मैं नेकी करूँ, इस नेकी के काम में मेरा नाम आए, तो वो जो भी हम करेंगे उसमें हम आपके हक़ के लिए दुआ करेंगे, अपने हक़ के लिए कि अल्लाह ये खाने का जो भी अगर एक दाना भी मुँह में डालें तो हम सब के हक़ में दुआ करें, ठीक है, और वो सारी दुआएँ जो हैं हमारे हक़ में कबूल करें अल्लाह ताला, ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे शाम को, ठीक है, अभी भी मैंने बताया था लेकिन अभी हम शाम को जाएंगे सामान सामान लेने, मुझे इतनी उम्मीद है आज रात तक तो 10K मेरे हो ही जाने हैं,
इंशाल्लाह ताला आप सब जो है इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह मेरे हो जाएंगे। तो रात को कोशिश करेंगे एक तलाल भाई के लिए बूटा भी तैयार करें, ढाई तवा या डेढ़ तवा उनके, उसका नाम लिखे तलाल भाई का, क्योंकि उन्होंने कल हमें बहुत इज्जत दी है, बहुत ही ग्रेट बंदे हैं यार तलाल भाई, सलूट है आपको, यकीन करो। तो बाकी जो है जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है, अगर आज होते हैं 10 के हो ही जाएंगे, फिर केक का भी ऑर्डर देना है और बहुत सारे मामलात हैं, ठीक है पब्लिक। तो अभी दो बंदे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोग बुढ़ा चूटा तोड़ा रहे हैं, मैं इधर बैठा था, जो भी दिल की बात थी मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ, ये देखें आपस में इनके पीछे ला रहे हैं। तो अभी देखते हैं नवीर भाई को बुढ़ा चमेड़ के लाए, या पेचा होता है छोटा मोटा क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बाजार चीज़ें चीज़ें लेने, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलें फाइनली बुढ़ा बहुत ही क्लोज आ गया, ठीक है, अब देखते हैं नवीर भाई चमेड़ सकते हैं या नहीं। नबील भाई आई थिंक निकल गए, आपके ऊपर ही है नबील भाई इसकी डोर, ये देखें पब्लिक निकल गया आई थिंक, नबील भाई निकल गया, छोड़ दो इधर देखो, क्या नहीं थी, क्या नहीं थी, ये बंदा इसी तरह करता है गाइस, ये जब भी कोई गुड्डा निकल जाए ना कहता डोर नहीं है, डोर नहीं यार, नबील भाई बहुत ही नाइस बंदे हैं, कोई नहीं नवील भाई नीचे मेड़ा तो खैर है, कोई चक्कर नहीं, इशू ही नहीं है कोई, हम तेज तूफानी है, ये हमजा भाई ने उड़ाया हुआ है, खारिश वो ऊपर देखे, खारिश उधर ही गिर गया, खारिश गिर गया जी इनका, वो देखे कितना प्यारा गुड्डा जा रहा है रेड कलर में, पानों पे पट्टियां शट्टियां लगी हुई हैं, इस तरह के 6 हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, 6 को छोड़ो ये देखो, ये बड़ा है। क्या होगा नबील भाई, गाइस जैसे ही दूसरा गुड्डा आता है वो आप लोगों से शेयर करते हैं फिर। गाइस ये देखें पेचे लग गए हैं वाइट वाइट के परी का और उसका, नबील भाई थोड़ा उतार ले ऐसे यहाँ बस अपने हिसाब से चमेड़। गाइस ये देखें परी बहुत प्यारी लग रही है मुझे, तो आपको कौन सा गुड्डा अच्छा लग रहा है, एंड ये हमारे नबील भाई का गुड्डा है, ये ऊपर आप देखें पेचे आ गए, ओए चश्मिश के ऊपर आ गए हैं दोनों गुड्डे, वो देख ये दोनों जाएंगे गाइस, वो ऊपर वाले गुड्डे के ऊपर लमक गए, देखिए गया दोनों गए, नबील दोनों चपेट ले, गाइस ये देखते हैं नबील भाई क्या करते हैं, नबील भाई यहाँ इधर ही घुमाते जाओ, ये देखें गाइस नबील भाई हमारे फुल, ओए निकल गया नबील वाइट वाला निकल गया, चल सही है उठा ले, ये जी फाइनली ओ ले ये क्या हुआ है, कन्ने टूट गया यार। अहमद भाई आपका साउंड इधर बनता है, मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मुर्शिद सही क्रॉस इनका डला हुआ है आपस में, खैर किस्मत में नहीं था गाइस सोने। सो गाइस फाइनली पापा की परियों वाला कलर हम ले आए हैं पिंक कलर का, ये उड़ाएंगे, ठीक है, मेरा दिल कह रहा था यार इनको देख के, मैंने कहा ये उड़ा रहे हैं मैं फिर क्यों पीछे रहूं, तो नबील भाई का गुड्डा टूट चुका था, अभी जल्दी जल्दी इसको कन्ने डालते हैं, टाइम अप हो रहा है, फिर उड़ाना भी है, पेज भी दिखाने हैं आप लोगों को, चलें फिर कन्ने डालते हैं, ये फेंक दूंगा भाई, बड़ा सोना गुड्डा आ रही है गाइस देख सकते हैं, इसको लाइव कैच करेंगे, इसकी केमिकल देखो हमजा भाई किधर है, मच्छर आई हो सुराजी, मच्छर की केमिकल देख, ओए वो डोर में आ रही है, ये भी डोर में है, ओए हमजा भाई केमिकल देखना इसकी, ओ ये बेचा करने आ रहा है भाई, ओ यार मच्छर को देखो यार, ये देख सकते हैं गाइस पेचा छोड़े इसको देखे मच्छर को, ये सोनी है, केमिकल किधर है हमजा भाई मच्छर की, वो सारा केमिकल ले आना इसकी किसी तरह हमारी तरफ, यानी बूढ़ा टूट जाएगा मेरा, और पा रहा है ये केमिकल है किसके ऊपर आ रही है, हैं ओए पेच होने लगा ना बिल, चल केमिकल एक काट दिया, ऊपर वाले को भी काटो,
वो हमजा भाई ऊपर भी एक और गुड्डा भी आया। ये सेम सेम आया केमिकल देखते रहना इसकी। कौन भी लिया वो आई है। ठीक है ओ ये किसने पकड़ा हुआ है नीचे से इसको उठा के ऊपर क्या तो ले ली हुआ है गुड्डा ले ही करवाया है ना जी उसको। ओ ये इसके साथ लगाते हैं सब तीसरा भी आ गया भाई। क्या यार तीन ओ ये काला वाला तो जाएगा काले वाला जाएगा। दो दो गुड़ों के ऊपर मेरी डोर है। तीन गुड़ों के बीच में फंस गया था वो वाला गुड़ा मारा कट चुका था। डाई उड़ा रहे थे मैंने जाप दी उसका तीला ही टूट गया। वो देख ये देख सकते हैं ये तीला टूट गया उसने का तीला ही टूट गया और हमारी रोड भी खराब हो गई। इधर देखें जरा भाई क्या बात है जी। ये देखें जी टोर भी खराब हो गई है और गुड्डा भी। ये नबील भाई ने गुड्डा चमेड़ा जी देखें जी। ओए फटाटे वाला किधर से आ गया मेरे ऊपर। आराम आराम से उतारो नबील भाई। ये देख रहे हैं जी ये ब्लू वाला गुड्डा नबील का है चमेड़ू बाज का। और वो उसने अपना जो है ना नेक्स्ट डे के लिए चिमेड़ू पकड़ लिए हैं। पहले तो वीडियो ही नहीं बनाई एक जो काटा डेट था वहाँ मैंने इतना प्यारा। और आज बाल बाल बचे हैं हम अल्लाह ने हमें बचाया। डॉल्फिन वाले आ रहे थे सामने से मैंने नबील भाई को शुक्र है टाइम पे बता दिया कि गुड्डा तोड़ दो क्योंकि गुड्डा हमारा बिल्कुल हल्का सा घर से बाहर निकला था पता चल जाता कि यहाँ से उड़ा। ये तो शुक्र है नबील भाई ने गुड्डा तोड़ दिया। इस बाजार जाने से पहले मैंने क्या एक तलाल भाई के लिए परी तैयार करने सही प्यारी सी। नबील भाई हमारे वो बैठे थे सर में दर्द है इनके तबीयत नहीं सही इनकी। तो बाकी जो है मैं परी तैयार कर रहा था फिर टाइम नहीं होगा मैंने क्या आगे थक जाएंगे अभी से बना के चले जाए तो डिज़ाइन शिज़ाइन इंशाल्लाह लेट नाइट में कर लूँगा फिर व्लॉग भी एडिट करना होगा। तो चलें फिर इसको फुल तैयार करते हैं आपको दिखाते हैं। फिर जो है ये गुड्डा हमने तैयार कर लिया हमारे तलाल भाई के लिए सरप्राइज। ये देखिए जैसे भाई के लिए गुड्डा तैयार ये नवील भाई ये चमेड़ा है आप ले आज दिखाओ जरा तलाल भाई के लिए गुड्डा तैयार किया वो मैंने किया अपने लिए तैयार वो चेक करें तलाल भाई के लिए टाइम लगा लेकिन ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी चीज है। हाँ सारी इसने बताई ये जो है ना सारा कुछ यही बताता रहता है। अब भी जाएंगे हम सामान लेने सामान लेते हैं बाजार जाके ठीक है। मोबाइल में गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ जो सामान भी लेकर आएंगे वो आपको घर आके बता देंगे कि भाई ये चीज जो है या उधर जाके रिजी भाई के फोन से बनाते रहेंगे। तो चलें फिर चलते हैं। सो फाइनली गाइस सामान हमने ले लिया था ये रहा हमारा सामान। अभी सिर्फ और सिर्फ रह गए केक का ऑर्डर देना है वहाँ पे जाएंगे। अभी हम आए थे यहाँ का जो मशहूर शॉर्मा है बहुत ही मज़े के इनका ये खाने आए हैं। मैं तो स्पेशल आता हूँ भाई बहुत दूर से यहाँ पे ठीक है आप लोग भी आए ये कॉलेज रोड वाला शॉर्मा है नाम नहीं पता लेकिन बस यहाँ पे एक ही खड़ा होता है शॉर्मा वाला।
नबील भाई टीम अप करता है, मीटअप नहीं करता। ये हमारे यहाँ नार शनार हैं, सामान शमान हमने ले लिया, कल बहुत अच्छा सीन बताया गया इंशाल्लाह। फाइनली गाइस रोल पराठा हमारा आ चुका है, ये देखें आप, एंड वो हमारे बॉयज़ का आपको दिखाते हैं। नबील भाई दिखाओ, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। अभी इनको खाते खाते पीते हैं, खाते पीते की बना वीडियो नहीं बना सकता, अच्छी बात नहीं होती। ये खाते हैं ठीक है, फिर घर जाते हैं, जो भी सीन होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ तो भाई लोग फाइनली घर हम आ चुके हैं ठीक है। ये रहा हमारा सामान जो हम लेकर आए थे, पार्टी पॉपर्स वगैरह, अनार वगैरह लेकर आए हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 10K वाले, उसके अलावा ये स्मोक शमोक है कुछ, मैंने कहा शुगर मेला होना चाहिए। तो बाकी जो है अभी हम घर आए हैं, बहुत थक चुके हैं, टाइम आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, अभी व्लॉग से लोग एडिट करेंगे। एंड सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे विश किया इतना, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट ऐसी साथ हुई ना तो 10K के 100K भी इजी हैं, मुश्किल नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे इसी चैनल पे, ऐसी भाई को सपोर्ट करना जैसे अभी करते हो। तो बाकी चैनल अभी व्लॉग को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।